नमस्कार दोस्तों, संत जगदीश मुनि जी के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। संत जगदीश मुनि जी न्यूरो हीलिंग पद्धति द्वारा तरह तरह की बीमारियों का इलाज कर रहे हैं। न्यूरो हीलिंग सिस्टम के जरिए उनके द्वारा जो हर तरह की बीमारी का इलाज बिना दवाई किया जा रहा है। आज हम संत जी से जानेंगे कि घुटने की माइनर न्यूरो का इलाज किस तरह से किया जाता है और इसको बिना ऑपरेशन कैसे ठीक किया जा सकता है। घुटने के रोग से आजकल हर कोई पीड़ित है, तो आज संत जी से जानेंगे कि किस तरह से उनके द्वारा न्यूरो हीलिंग पद्धति द्वारा जो घुटने के रोग का इलाज किया जाता है। तो आइए चलते हैं संत जगदीश मुनि जी के पास और जानते हैं कि घुटने के माइनर न्यूरो का किस तरह से इलाज किया जाता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। अगर आप संत जी से रास्ता कायम करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर डिस्प्ले हो रहे हैं, उन नंबरों पर संपर्क करके उसे रास्ता कायम किया जा सकता है। तो संत जगदीश मुनि जी के पास चलते हैं और जानते हैं कि माइनर न्यूरो हीलिंग सिस्टम से घुटने का इलाज किस तरह से किया जा सकता है। सबको नमस्कार प्रणाम। तो आज हम जानेंगे, जैसा कि रोज अपनी क्लास चल रही है जिसमें न्यूरो हीलिंग सिस्टम के बारे में आपको हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो इलाज दे रहे हैं, कि लोगों का एक ही सवाल रहता है कि आप कैसे इलाज करते हैं, क्या इलाज का थ्योरी है, क्या सिस्टम है। तो आज हम माइनर न्यूरो, हमारा जो नी का मतलब घुटना, घुटने का जो माइनर न्यूरो है उसके ऊपर आज हमारी चर्चा रहेगी, क्योंकि हम घुटनों से, टांगों से ही चलना होता है। कहते ना, जब आदमी के घुटने काम नहीं करते तो कहते बूढ़ा हो गया, ठीक है ना। और घुटनों की समस्या इतनी ज़्यादा है कि जो वीडियो पहले डाला था तो बहुत सारे मित्रों ने उसको लाइक किया और बहुत शेयर भी किया, और तकरीबन मेरे पास 50 लाख से भी ज़्यादा जो है घुटनों के जो मरीज़ थे उनके मैसेज आए, फ़ोन भी आए। तो अब मैं आपको थ्योरिकली पहले बताता हूँ कि घुटने के अंदर प्रॉब्लम कैसे आती है और हमने उसको कैसे ठीक करना है, उस सारे सिस्टम को हम जानेंगे। तो पहले मैं आपको एक छोटा सा चित्र बना के बताता हूँ, उससे आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगा कि हमारे किस जगह से प्रॉब्लम होती है और हमने उसको कैसे ठीक करना है। क्योंकि लोग भ्रम में रहते हैं, घुटने का थोड़ा सा दर्द होता है तो पेन किलर दवाइयाँ खाते जा रहे हैं। ज़्यादा दवाइयाँ खाने से आपके ऑर्गेन जो है, जैसे खास करके लीवर, किडनी, हमारी स्प्लीन, इन ऑर्गेन्स के ऊपर बहुत ही इनका दवाइयों का जो पेन किलर है, इनका बहुत ही साइड इफ़ेक्ट होता है। दूसरा, जो हम प्राकृतिक चिकित्सा देते हैं तो उसमें भी हमारे को भी प्रॉब्लम आती है कि ज़्यादा दवाइयाँ खाने से घुटने फूल जाते हैं, नसें फूल जाती है और वो इतनी लूज हो जाती है कि उनको नॉर्मल करने में काफ़ी समय लगता है। तो पहले मैं आपको चित्र बना के बताता हूँ, उससे आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगा। बिल्कुल आसान है ना, समझना बिल्कुल आसान है। जब आदमी को समझ आ जाए तो जैसे ये हमारी ये हमारा घुटना है, ये हमारा लोअर बैक है। कल मैंने आपको लोअर बैक के बारे में बताया, तो ये हमारा KHMNLRC, ये समझना ज़रूरी है। लेफ़्ट, राइट और सेंटर, प्रोसेस सेम है। NHMN लेफ़्ट मैंने लिख दिया, राइट और सेंटर। ये हमारा नीस घुटना है। अब घुटने में क्या है कि एक तो हमारी, कल मैंने बताया था कि शाइटिका नर्व आती है। ये क्या है? शाइटिका नर्व। ठीक है ना। दूसरा, घुटने के अंदर एक झिल्ली होती है। और तीसरा, जो ये हमारी थाई है, थाई के अंदर सारी नसें आती है। ये जो हमारा घुटने का, ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है और ये सेंटर है। तो ये जो हमारा बाहर का साइड है, बाहर का लेफ्ट साइड, इस लेफ्ट साइड में
नसें आती है जो हमारी झिल्ली को डायरेक्ट ब्लड देती है, सेंटर से नसें आती है जो झिल्ली को ब्लड देती है, राइट से नसें आती है जो झिल्ली को ब्लड देती है, लेकिन जो ये लेफ्ट की जो हमारी नर्व है ये बहुत इम्पोर्टेंट होती है और ज़्यादातर ये ही जाम होती है। अब इसके जाम होने का मेन कारण क्या है, कि ये जो हमारी घुटने के बीच में जो झिल्ली है, ये झिल्ली को जब पूरी ब्लड की सप्लाई नहीं होती तब ये क्या हो जाती है, सिकुड़ जाती है। जब सिकुड़ती है तो हमारा ऊपर का लिगामेंट, ये हमारा लोअर लिगामेंट है, लोअर लिगामेंट ये है, अपर लिगामेंट, ठीक है ना, ये दोनों क्या है फिर आपस में टकराने शुरू हो जाते हैं। जब हड्डी से हड्डी टकराती है तो बहुत पेन होता है, यही मेन पेन है। और ये क्यों होता है, जब हमारी ये जो खास करके लेफ्ट साइड की जो नर्व है ये जाम होती है, क्योंकि ये ज़्यादा वर्क करती है उठने में, बैठने में, सोने में, जब भी साइड लेते हैं तो ये नर्व ज़्यादा काम करती है, इसलिए ये कई बार जाम हो जाती है। जाम होने से झिल्ली की सप्लाई जो है वो रुक जाती है, ब्लड का सर्कुलेशन रुक जाता है और एनर्जी सर्कुलेशन रुक जाता है। जब सारा सिस्टम रुकता है तब ये झिल्ली सिकुड़ती है और सिकुड़ने से ऊपर और नीचे के जो लिगामेंट हैं वो आपस में टकराने शुरू हो जाते हैं। अब हमें क्या करना है, दूसरा कारण, ये जो हमारी शाइटिका नर्व है कई बार ये जाम हो जाती है तो इसके कारण भी हमारे घुटनों में प्रॉब्लम आती है, ठीक है ना। तीसरा, राइट साइड की है जो हमारी नर्व है उसके जाम होने से भी, राइट साइड की जो अंदर की नर्व है, जो अंदर की साइड, वो बहुत कम जाम होती है, ज़्यादातर बाहर की जो हमारी नर्व है वो जाम होती है और दूसरा शाइट का नर्व जाम होती है। तो इनको, ये किसी दवाइयों से खुलने वाली नहीं है, ये थ्योरी से खुलेगी। इसके लिए हमें न्यूरो जो हमारा सिस्टम है 108 हीलिंग सिस्टम, ठीक है ना, इस सिस्टम से हम पूरी थाई को, पूरे घुटने को और नीचे काफ को पूरा इलाज देते हैं। जब इनको पूरा प्रेशर मिल जाता है तो सर्कुलेशन चालू हो गया, फिर रबिंग मिल जाती है तो नसें नरम हो जाती है, उसके बाद जब मसाज मिलती है तो नसों का पूरा सर्कुलेशन जो है, जो भी सिस्टम जाम है वो खुल जाता है, उसके बाद वाइब्रेशन से जो नसों में खून जमा था, जो जम गया था उसको उखाड़ दिया जाता है, चालू कर दिया जाता है। पूरी थ्योरी से जब इस थाई को, काफ को, घुटने को, नीज को इलाज मिल जाता है तो पूरा का पूरा घुटना जो है वो नया हो जाता है। अब डॉक्टर इसमें क्या सजेस्ट करते हैं, डॉक्टर कहते हैं कि आपका तो घुटना रिप्लेस करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, प्रकृति ने बनाया, ऐसा बनाया है कि हड्डियां हमारी इतनी मजबूत है, इतनी पावरफुल है कि हड्डी को अगर हम ज़मीन में दबा दें और 10,000 साल बाद भी उसको निकालें तो आपको हड्डी वैसी की वैसी मिलेगी। इतना मजबूत जब हमारा तंत्र है, प्राकृतिक तंत्र है, तो उसमें खराबी कैसे आ सकती है। खराबी आने का कारण है हमारी लापरवाही, कि हम एक तो सुबह उठ के कोई भी एक्सरसाइज नहीं करते और हम हमारी चलने वाली सभी चीज़ों को पूरी देखभाल नहीं करते। आप सुबह उठिए, जब स्नान करते हैं, स्नान करते वक्त तिल का बॉडी को, घुटनों को, आज घुटने की बात हो रही है तो घुटने को एक बार कम से कम 30 सेकंड तिल के तेल से हल्की सी दोनों हथेलियों से मसाज करिए। उसके बाद मैंने घुटनों की एक वीडियो डाली हुई है जिसमें बहुत ही दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण, इम्पोर्टेंट
एक्सरसाइज, योग की एक्सरसाइज बताई है, जिनकी भगवान पतंजलि ने खोज की। 84 लाख एक्सरसाइजों में से मैंने 4 वो सुप्रीम एक्सरसाइजें निकाली है। उनको अगर आप रोज़ करते हैं तो आपके घुटने में कभी प्रॉब्लम आ भी नहीं सकती। खैर, किसी कारण अगर आपके घुटने में कोई प्रॉब्लम आ भी जाती है तो हमारे पास आइए, 5 दिन का इलाज लीजिए। दूसरी बात, तब मत आइए जब घुटना बिल्कुल ही अंग्रेजी की सी की तरह मुड़ गया। आपको प्रॉब्लम हो चाहे प्रॉब्लम ना हो, आप साल में एक बार, जब आपकी आयु 20 वर्ष से ऊपर निकल जाए तो 20 वर्ष की आयु के बाद आप साल में एक बार अपने घुटने की न्यूरो हीलिंग सर्विस जरूर कराइए, ताकि लाइफ टाइम आपका घुटना कभी भी किसी भी रोग से, किसी भी जकड़न से, किसी भी बीमारी से ग्रस्त ना हो। ठीक है ना? तो ये समझने की बात है। जब आप सर्विस, देखो गाड़ी कंपनी से नहीं आती है, उसके साथ एक पासबुक आती है कि इतने किलोमीटर बाद आपको वर्कशॉप में लाना है और गाड़ी की सर्विस करानी है। हमारी गाड़ी 2400 घंटे चल रही है, लेकिन हम उसकी सर्विस के लिए तब जाते हैं जब हम बीमार हो जाते हैं, और जब बीमार हो गए फिर जाओगे तो लंबा समय लगेगा, टाइम ज़्यादा लगेगा, ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है ना? तो इसलिए आपको क्या करना है, टाइम टू टाइम अपनी बॉडी की सर्विस जो है वो कराते रहना है, ताकि आपके शरीर में कोई भी रोग ना आए। तो आपने समझा कि आपने इलाज कैसे करना है, किस भाग का इलाज करना है। थाई को जब इलाज देना है तो ऊपर की ओर देना है, काफ को जब इलाज देना है तो नीचे की ओर देना है। थाई को जब ऊपर की ओर, यहाँ से ऊपर की ओर ब्लड को रोलिंग करना है, रोलिंग, ठीक है ना, रोलिंग मूविंग, ठीक है ना। मसाज, वो मसाज नहीं करनी जो लोग समझते हैं, ये मसाज नहीं है। इसमें आपको क्या करना है, रोलिंग, अपने दोनों अंगूठे से रोलिंग करना है। प्रैक्टिकली बता देंगे आप सबको, लेकिन पहले आप समझ लीजिए कि घुटने से थाई की ओर जब आपने इलाज देना है तो रोलिंग ऊपर की ओर करनी है, घुटने से नीचे की ओर जब इलाज देना है तो नीचे की ओर आपने रोलिंग मसाज देनी है। ठीक है ना? तो ये एक सिंपल फार्मूला, फार्मूले से आपको इलाज देना है, पूरा थ्योरिकली देना है। और ख़ास करके संगत से भी हमारा निवेदन है कि टाइम टू टाइम अपने घुटनों का इलाज करवाते रहिए, ज़्यादा बिगड़ने मत दीजिए। ये ना हो कि 50 या 60 के बाद आपकी वो अपर बॉडी तो अच्छी हो और घुटने काम ना कर रहे हों, तो फिर बहुत बड़ी मुश्किल में आप पड़ सकते हैं। और रिप्लेसमेंट जो है वो कोई परफेक्ट स्थायी हल नहीं है। आप अपने घुटने की प्राकृतिक चिकित्सा करवाएंगे, ताकि आपका घुटना स्वस्थ रहे, फिट रहे और आप सही सलामत चलें। ठीक है ना? एक तो आपने टाइम टू टाइम सर्विस करानी है, दूसरा स्नान करते वक्त तिल का तेल जरूर लगाना है, तीसरा आप रोज जो एक्सरसाइज बताई है 4 वो जरूर करनी है। ठीक है ना? तो आपके घुटने को कुछ नहीं होगा, स्वस्थ रहेगा। और जो आपने सर्विस करानी है वो साल में एक बार 5 दिन के लिए सर्विस जरूर करानी है। जो भी इस क्लिप को, वीडियो को देख रहे हैं, आप देखिए भी और औरों को भी भेजिए, ताकि कोई भी व्यक्ति अगर घुटनों से परेशान है तो वो हमारे पास आकर के अपनी चिकित्सा ले सकता है। नॉर्मल चिकित्सा है, प्राकृतिक चिकित्सा है, बिल्कुल थ्योरिकली और साइंटिफिक है, और थ्योरी मैंने आपको बताई दी है, बिल्कुल आसान है। आप अपने घुटनों का इलाज करवाते रहिए और आप इलाज करते रहिए, डॉक्टर जो बच्चे सीख रहे हैं, ठीक है ना, ताकि आपके पास कोई भी घुटनों का रोगी आए तो उसको पूरा प्यार से, प्रेम भाव से इलाज भी करेंगे,
साथ में एक्सरसाइज भी बताएंगे और साथ में जो फार्मूले घरेलू उपाय बताए वो भी जरूर बताएंगे। धन्यवाद। तो ये थे संत जगदीश मुनि जी जो हमें घुटने की बीमारी का इलाज बता रहे थे, न्यूरो हीलिंग सिस्टम के जरिए किस तरह से घुटने का इलाज किया जा सकता है इसके बारे में उनके द्वारा थ्योरेटिकल तरीके से हमें बताया जा रहा था। अगर आप संत जी से रास्ता कायम करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर डिस्प्ले हो रहे हैं, उन पर संपर्क करके उनसे समय लिया जा सकता है, उनसे रास्ता कायम किया जा सकता है। तो इसी तरह से हम आपको कवरेज दिखाते रहेंगे। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे हमारा चैनल।